अपने बिजनेस कारोबार धंधे के विज्ञापनों के लिए हिंदुस्तानी रिपोर्टर की इस ईमेल आईडी पर संपर्क करें। रोटरी क्लब ने कौसा में शुरू किया हेल्थ केयर सेंटर। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शुक्रवार दोपहर 3 बजे कौसा रशीद कंपाउंड स्थित हशमत पार्क के पास मुमरा रोटरी क्लब एलाइट की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें एक हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में मुमरा रोटरी क्लब एलाइट की तरफ से मौजूद थे शब्बीर अहमद खान, नदीम दलवी, अन्य पदाधिकारी। वहीं इस हेल्थ केयर के लिए रोटरी क्लब को जिस जगह की जरूरत थी उसे देने का काम किया रशीद कंपाउंड के स्थानीय समाज सेवी राजू अंसारी ने। कैसे ये हेल्थ केयर सेंटर शुरू किया गया है, मात्र 10 रुपये में यहाँ के मकामी गरीबों को दवाइयाँ दी जाएगी और उनके तमाम हेल्थ के इश्यूज़ को जो है यहाँ पर समझ करके उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी, इस मौके पर क्या कहा मुफ्त जगह देने वाले समाजसेवी राजू अंसारी और रोटरी क्लब के शब्बीर अहमद खान और अन्य पदाधिकारियों ने, वो हम आपको दिखा रहे हैं। राजू अंसारी साहब, आज आपके वार्ड में ये जो चैरिटेबल क्लिनिक ओपनिंग हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे रोटरी क्लब के सारे तमाम मेंबरों को मुबारकबाद देता हूं। एक अच्छी मुहिम इन लोगों ने चालू की है। यहां पर जो गरीब तबका है, जो रशीद कमान का जो इलाका है, ये हमेशा से एक स्लम एरिया रहा है और यहां पर अक्सर हमारे को एक बेहतर जो हेल्थ केयर होनी चाहिए वो बराबर से मुहैया नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए सबसे पहले हमारे पास शब्बीर भाई आए और उन्होंने कहा मुझे यहाँ पर एक छोटी सी दुकान की ज़रूरत है। तो मैंने कहा भाई मेरी खुद की एक दुकान है, मैं इन्हें दे देता हूँ, आप उसके अंदर चालू कर लीजिए। तो उन्होंने चालू किया। वैसे रोटरी क्लब से मेरा ये पहला नहीं दूसरा इंस्टेंस है टकराव होगा। इससे पहले 4 अगस्त 2019 को जब बाढ़ आई थी मुमरा कौसा के अंदर, तब इसी रोटरी क्लब के लोगों ने मुझसे रास्ता कायम किया था और हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से मुमरा स्टेशन पर जब हम लोगों ने एक बहुत बड़ा लंगर लगाया था, उस लंगर के अंदर रोटरी क्लब के लोगों ने आकर के कपड़ा बांटने का काम, कंबल बांटने का काम और बर्तन बांटने का काम किया था। तो मैं मतलब तहे दिल से इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि रोटरी क्लब मुमरा की तरफ ध्यान और तवज्जो देते हुए बहुत अच्छे तरीके से एक सोशल कॉज के लिए, एक गरीब लोगों के लिए और गरीब लोगों के काम के लिए यहाँ पर काम कर रही है। और हम यही चाहेंगे कि आगे चल करके हमारे रोटरी क्लब के जो तमाम लोग हैं वो कभी भी अगर हमको आवाज़ देगा तो हम लब्बैक उनके लिए कहने को तैयार हमेशा बैठे रहेंगे। जफर नुमारी साहब, क्या आप भी अपने वार्ड के अंदर इस तरह जो राजू भाई ने मुहिम छेड़ी है, आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे? नहीं, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ रोटरी क्लब का कि ये पहल जो उन्होंने रशीद कंपाउंड में चालू की है। मैं रोटरी क्लब के तमाम मेंबरों का बेहद शुक्रगुजार हूँ और शब्बीर खान साहब का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि जो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स की फील्ड हो, सामाजिक फील्ड हो या हेल्थ के ताल्लुक से जो भी फील्ड हो, उसमें शब्बीर खान साहब का बहुत ही अहम रोल और बहुत ही अहम किरदार रहता है। और मैं चाहता हूँ कि ये बेदारी शहर के तमाम लोगों के अंदर आनी चाहिए और बिल्कुल ये इतनी अच्छा काम हो रहा है रोटरी क्लब के उसके ज़रिए, तो मैं चाहूँगा कि मेरे वार्ड में भी रोटरी क्लब वाले आए, मैं उनको दावत देता हूँ, वेलकम, मैं उनका खुश आमदीद करता हूँ और मैं उनका इस्तकबाल करूँगा वहाँ में। और इस तरीके की मुहिम जो रशीद कंपाउंड के अंदर चालू की है उन इस तरीके से, ताकि लोग, पूरे शहर के लोग इसका फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि बहुत ही कम चार्जेस में आज इस महंगाई के दौर में जब लोग खाने के परेशान हैं, दवा इलाज के लिए परेशान हैं और सिर्फ 20 रुपये के अंदर अगर ये दवाएं मुहैया हो रही हैं रोटरी 10 रुपये में, 10 रुपये में ये दवाइयां मुहैया हो रही है तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं तमाम शहर के लोगों से कहूंगा कि आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और दुआ करें कि इस तरीके की चैरिटेबल ट्रस्ट रोटरी क्लब के ज़रिए पूरे शहर में मुनक्किद होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से रोटरी क्लब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। रोटरी क्लब मुमरा एलीट का चार्टर प्रेसिडेंट हूँ और जो हमारा जो क्लब है, हमारी सोच ये है कि मेडिकल और एजुकेशन, अगर ये दो सुतून कायम रहे सोसाइटी के तो इंशाल्लाह सोसाइटी को हमेशा फ़ायदा हुआ है। अब उसके बाद में ये दोनों चीज़ों को अफोर्डेबल बनाना सबसे बड़ी जद्दोजहद होती है ताकि आम आदमी तक ये चीज़ पहुँचे, और उसी की एक कोशिश और एक पहल है जैसे 10 रुपये में जो दवाई है, ताकि हर आदमी के पास ये एक्सक्यूज़ ना रहे कि भाई पैसा ना होने की वजह से मैं बीमार हूँ या मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। एक शुरुआत की है, आप लोगों का साथ, राजू भाई है, जफर भाई, शब्बीर भाई का साथ रहा है और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हर जहाँ जहाँ पे हर 2-3 किलोमीटर पे एक रोटरी की क्लिनिक आवे इंशाल्लाह आगे करके। ये पहल है, आप लोगों का साथ है और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह इसमें हम कायम होंगे। अभी तो मंजिलें और तय करनी है, शुरुआत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को इसमें सपोर्ट रहेगा, ताउन रहेगा, जहाँ भी आप जानते हैं किसी को बता दें ताकि वो लोग इसका फैज़ उठा सकें। जज़ाकअल्लाह खैर। जनाब शब्बीर खान साहब, मुमरा शहर में स्पोर्ट्स, सामाजिक खिदमत या शहर के ताल्लुक से कोई भी अच्छा काम हो,
मगर आपकी तरफ से पहल हमेशा देखी गई है, आप रोटरी क्लब में मेंबर भी है, आज इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है, 10 रुपये वाली क्लिनिक की ओपनिंग की गई है, तो आप मुमरा की आवाम से क्या इसके बारे में पैगाम देना चाहें? अस्सलाम वालेकुम, मैं शब्बीर खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तारीफ़ ज़्यादा कर दी। सबसे पहले बता दूं, रोटरी क्लब ये इंटरनेशनल क्लब है और दुनिया के तकरीबन 120 मुल्कों में ये अपनी खिदमत अंजाम दे रही है, और इसका सबसे बड़ा काम यह है कि पूरी दुनिया में जो पोलियो फ्री किया है वो रोटरी क्लब ने किया है, और यही वजह है कि ये हम सारे लोग, ये जो मुमरा के लोग हैं, ये रोटरी क्लब के साथ में जुड़े हैं, क्योंकि इसका काम हमेशा पब्लिक की फलाह बहबूद के लिए किया जाता है। तो ये अभी हमारी 2 साल पहले ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग शामिल हुए हैं, हमारी यहाँ कुछ 20-22 लोगों की टीम है, और हमेशा हम लोग सोचते रहते थे कि रोटरी क्लब से मुमरा के लिए क्या खिदमत ली जाए। तो रोटरी क्लब का पहला ये है कि पहले आप अपनी तरफ से सेवा दो, उसके बाद रोटरी आपके पीछे खड़ी रहेगी। तो ये हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं बहुत सी हैं, तालीम है, एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, बहुत से मसले मसाइल हमारे मुमरा के हैं, तालीम के ऊपर बहुत से लोग काम कर रहे हैं, और सेहत एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान के साथ में लगी हुई है, और उसमें पैसे का बड़ा दखल है। तो ये हम लोगों ने तय किया मिलके, अलग अलग प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं, ये हमने तय किया कि भाई हमारे मुमरा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो हेल्थ है, जो दवाइयाँ वगैरह हैं। रोटरी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी मदद करती है, जैसे डायलिसिस की मशीनें हैं, हर टाइप की मशीनें हैं, ऑपरेशंस वगैरह हैं, लेकिन उनको यहाँ तक लाने के लिए ये हमने पहल की है। ये जो आज क्लिनिक हमने शुरुआत की है, ये हमने हमारे पैसे से कंट्रीब्यूशन करके हमने इसको शुरुआत की है। इंशाल्लाह महीना, 2 महीना, 4 महीना इसमें से पैसा आवे ना आवे, ये हम अपनी जेब से हम सारे लोगों ने ऐद किया है, दवाइयाँ जो भी लगेगी हम करेंगे, और ये सिर्फ 10 रुपये में दवाएँ तक सीमित नहीं है। इसके लिए हमने कई एक दूसरे लोगों से कांटेक्ट किया है, एग्जांपल जो पैथोलॉजी है, कोई टेस्टिंग है, तो जो वो जैसे चलता है कि वो डॉक्टरों को डिस्काउंट देते हैं या उनको कमीशन देते हैं, तो हमारी बात हुई कि हमको कमीशन नहीं चाहिए, आप वो हमारे लोगों को, जो ये तबका गरीब तबका है, उनको आप उनको डिस्काउंट दो। उसी तरीके से कुछ ऑपरेशन वगैरह हो गए या कोई बड़ी बीमारियाँ हो गई, जैसे DY पाटिल है, वो दांत के लिए यहाँ पे फ्री सेवाएं बस देती है, लोगों को लेके जाती है, इलाज करके वापस देती है, लेकिन हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, दांत का इलाज बहुत महंगा है, लोगों को पता नहीं है। तो इस क्लिनिक के थ्रू जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आएगी या जो भी बेनिफिट्स होगा गवर्नमेंट को, वो लोगों को बताया जाएगा। तो असल मकसद ये है कि जो हमारे लोग हैं उनकी सेवा की जाए, और इंशाल्लाह हमारे अजायम बड़े हैं, ये अभी पहली शुरुआत है, मुमरा के हर कोने में हम चाहते हैं कि इस तरीके की सेवाएँ दें, बस दुआ करें अल्लाह हमसे ये बेहतर काम लें। शुक्रिया सर। जनाब क्या नाम है आपका और रोटरी क्लब में आपकी क्या पोजीशन है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम दलवी है और मैं रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि अभी शब्बीर भाई ने ही बताया कि हम लोगों की कोशिश ये है कि लोगों को कम से कम पैसे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ पहुँचाई जाए, और हम लोगों ने ये शुरुआत की है एक चैरिटेबल क्लिनिक से, जिसमें हमने 10 रुपये का रेट रख करके लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हम लोग अपने पर्सनल खर्च पे कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे चलेगी ये मुहिम और लोग जुड़ेंगे इससे और काफ़ी लोग फ़ायदा उठा पाएंगे इसका। रशीद कंपाउंड बहुत गरीब तबका एरिया, तो इसकी पहल इस एरिया से शुरू करके पूरे मुमरा शहर तक के आप इस क्लिनिक के उद्घाटन करते रहेंगे हर वार्ड में? बिल्कुल इंशाल्लाह, हमारी यही कोशिश है कि इसकी हम और ब्रांचेस खोले अलग अलग इलाके में, जहाँ जहाँ पे स्लम एरिया है वहाँ पर हम पहुँचे और वहाँ तक ये लोगों को फैस पहुँचाने का काम करेंगे। कौसा रशीद कंपाउंड क्षेत्र में किस तरह से रोटरी क्लब एलाइड मुमरा द्वारा फ्री हेल्थ केयर सेंटर शुरू किया गया है, उसकी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।